ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभाव सबका स्वागत करते हैं। मित्रों, हम जो भोजन करते हैं, हम जो भी खाते पीते हैं, उसका हमारे शरीर में कुछ रूपांतरण होता है। और जब वो रूपांतरण सही तरीके से होता है तो हमारे बॉडी में कभी भी टॉक्सिन्स नहीं बनते। और जब रूपांतरण सही तरीके से नहीं होता है तो हमारा बॉडी में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में टॉक्सिन्स बन जाते हैं। मित्रों, टॉक्सिन्स को जब मैंने ठीक से पढ़ा जाना तो मुझे समझ में आया कि आपने यदि हिंदी में कुछ आयुर्वेद थोड़ा बहुत पढ़ा हो जाना हो तो आपको पता चलेगा, एक शब्द आपने सुना होगा, साम और निराम। साम पित्त निराम पित्त, साम कफ निराम कफ, साम वात निराम वात। मित्रों, साम एक जो भोजन हमारा पच जो हमारा भोजन जो खाते हैं ना, उसमें से एक आम रस बनता है। अब आम रस के दो हिस्से होते हैं, एक निराम और एक साम। निराम जो होता है उसकी आगे की प्रोसेस चालू हो जाती है, जो हमने यहाँ बताई है, मैं आपको बताऊंगी क्या प्रोसेस होती है। और जो साम होता है वो हमारे बॉडी में ये सारी स्थितियाँ खड़ी कर देता है, जो हमारी बॉडी में जो जैसा कि मैंने बताया रोग होते हैं और उसके कारण भी होते हैं, समाधान भी होते हैं। अब मित्रों, हम जो आपको बता दें कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से कितने भाग बनते हैं, वो कैसे कैसे हमारे बॉडी में काम करता है, और वो हम शॉर्ट में आपको बताएंगे क्योंकि हमें आज बात करनी है टॉक्सिन्स के विषय में। तो चलिए, हम जो भोजन करते हैं ना मित्रों, वो हमारे बॉडी में जाके या तो अपच यानी कि बिना पचा रह जाता है, और दूसरा हिस्सा होता है वो पच जाता है। दो ही काम होते हैं, भोजन या तो पच जाएगा आर या पार, भोजन पच जाएगा या नहीं पचेगा। अब मित्रों, जो भोजन अपचा है उसके पीछे तो पूरी कहानी टॉक्सिन्स की, पर जो भोजन पच गया है, क्योंकि ये भी आपको एक बार बता दूं ताकि आपको मोटी मोटी जानकारी मिल जाए जिससे आप अपने आप को मजबूत बना सकें। तो जो भोजन पच जाता है उसके दो भाग बनते हैं, एक मल या मूत्र के नाम से, यानी कि हमारे शरीर में किसी भी रूप में मल के नाम से निकल जाता है, पसीने के रूप में निकल जाए, चाहे आप कहें तो ये पेशाब के रूप में, ये पॉटी के रूप में, जैसे भी निकल जाए, तो मल होता है, एक भाग मल बनता है, दूसरा रस बनता है। हम जो भोजन पचा लेते हैं उसमें से दो भाग बनते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है कि सारा बॉडी में खाया पिया रहेगा तो हमारा बॉडी ना जाने कितना मोटा हो जाए, कितना बड़ा हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्स्ट्रा जो हमारे वेस्टेज हमारा शरीर निकालता रहता है, तो मल के रूप में निकल जाता है। और जो पचा होता है उसके बाद जो रस बनता है, मित्रों जो रस बनता है, रस जैसा कि मैंने जो जान लो प्लेलिस्ट में एक वीडियो दिया पाचन तंत्र कैसे काम करता है, उसमें मैंने स्पष्ट बताया कि जब आपका भोजन पच जाता है तो आंतों में से वो अवशोषित के किडनी की तरफ जाता है, जो हमारे रक्त में मिल जाता है। अब जैसे आप जानते हैं ना, दूध में कितना भी पानी डाल दो दूध ही कहा जाता है, वैसे ही मित्रों रक्त में जब ये चीजें मिलती हैं, जब ये हमारा रस मिलता है तो वो भी रक्त का ही रूप ले लेता है, उसमें आगे पोषण मिलता चला जाता है। तो जो रक्त, ये जो रस है उससे बनता है रक्त, हम जो भोजन करते हैं उसमें जो रक्त रस बना उससे बनता है रक्त, और रक्त से बनता है मांस। अब मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन सही मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि यदि हीमोग्लोबिन सही मात्रा में है तो आपके बॉडी का मांस आदि जो चीज़ें बराबर हैं, क्योंकि रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि यानी कि हड्डियाँ बनती हैं, हड्डियों से, हड्डियों के बीच में एक बोन मैरो यानी कि मज्जा होता है, उसके बाद वो बनता है, और उससे फिर शुक्र पुरुषों में और स्त्रियों में रज धातु बनती है, ये हम सब जानते हैं। अब मित्रों, जो लोग रज और शुक्र धातु को अपने बॉडी में संग्रहित रखते हैं, कि उनका सही उपयोग करते हैं, उनके चेहरे पे ओज और तेज साफ दिखाई देता है, यानी कि आप ऐसे लोगों को अलग से पहचान सकते हैं। इनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, मेधा शक्ति बहुत अच्छी होती है, ये शांत चित्त के, प्रसन्न चित्त के और बहुत ही मेधावी लोग होते हैं जो इससे संपन्न होते हैं, शुक्र और रज से जो संपन्न होते हैं उनका ओज और तेज इस तरह निखर के सामने आता है। अब कुछ लोग जो धातु रोगी होते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है धातु रोग पर, आप देख सकते हैं, और आपने बहुत से लोगों ने मेरे ये वीडियो देखे भी होंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि शुक्र और रज को बर्बाद करने से चेहरा या हमारी स्थितियां कैसे बन जाती हैं। तो ये मैंने आपको सारी बातें स्पष्ट कर दी, और ना मिले तो हमारी प्लेलिस्ट धातु रोग के वीडियो देख लीजिएगा, विस्तार से पता चल जाएगा। अब हम आते हैं, जो हमारा भोजन पचता नहीं है, अपचा हुआ भोजन रह जाता है, वो क्या है, वो हमारे बॉडी में क्या करता है, और उससे क्या स्थितियां हमारे बॉडी में बनते हैं, कौन से रोग होते हैं, और आगे क्या करना होता है। मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता दूं ये बनता कैसे है, हम जो भोजन करते हैं, हम जो भी भोजन खाते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में जाता, हमारे पेट में जाता है। अब होता क्या है ना मित्रों, हमने यदि हमारे शरीर के अनुकूल जो भोजन खाया है, इस पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो सकें, अन्यथा आप फिर प्रश्न करेंगे कि इसमें ऐसा कैसे करें, उसमें वैसा कैसे करें, इसलिए पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो मित्रों, जब हम भोजन करते हैं, अब उस भोजन में हमने भोजन कैसा किया है, हमने कैसे किया भोजन, कैसा किया भोजन, कैसे किया, कितना खाया और
कि समय खाया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो जब हम वो चीज़ें लेते हैं उस तरीके से सही अनुकूल समय पे सही चीज़ें यदि हम नहीं खाते हैं, खाते हैं तो ये परिणाम है सही समय पे सही चीज़ें, और नहीं करते हैं तो ये परिणाम है ये सारा। अब ऐसी स्थिति में क्या बनता है, हमारा जो बॉडी में हम जो भोजन करते हैं वो रस नहीं बनता है, वो अपचा हुआ भोजन यानी कि बिना पचा हुआ भोजन जो रह जाता है वो साम यानी कि टॉक्सिन्स के रूप में हमारे बॉडी में अलग तरीके से संग्रहित होने लग जाता है। अब यदि ये कफ के रूप में संग्रहित होता है तो उन व्यक्तियों का यानी कि जिसकी प्रकृति कफ है और उसमें कफ और संग्रहित होता है तो उनका जो कफ है वो रेशेयुक्त हो जाता है, बदबूदार होता है, गाढ़ा और चिपचिपा यानी कि बहुत चिपकता है, चिकड़ा बहुत होता है। तो जिनको कफ ज़्यादा बनता पर उनके कफ में ये समस्या है तो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ गलती करें, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं जो आपके बॉडी में ये समस्याएं खड़ी करें। उसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको डकारें ठीक से नहीं आती, उनकी डकारें रुक जाती हैं, इनकी डकार लेने में उनको बहुत समस्या होती है, कई बार तो अटका ही रह जाता है, ऐसा लगता है जैसे छाती बहुत ज़्यादा भर गई है, जाम हो गई है, डकार आ जाए तो शांति मिल जाए पर उनको डकार जल्दी नहीं आती है। साथ ही ऐसे लोगों की भूख मर जाती है, इनकी इनको खाने की इच्छा नहीं होती है, भूख मर जाती है और जब बिना भूखे खाएंगे क्योंकि कई बार क्या होता है समय हो गया खाना खा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप खाना खा लेते हैं और भूख नहीं है आपने खा लिया है तो स्वाभाविक है कि आपको उसके भी टॉक्सिन्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो भी आपके बॉडी में नुकसान ही करते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों को आम यानी कि आपने देखा होगा पेट में मरोड़ होती है, ऐसा लगता है ओह क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद पॉटी आती है और पॉटी में चिकना चिकना मल निकलता है, थोड़ा सा निकलता है पर दर्द बहुत होता है तो उसको आम कहते हैं मित्रों। उसके बाद फोड़े फुंसियाँ होते हैं, आपने देखा होगा पीला पीप वाला कील मुहासे हो जाते हैं चेहरे पे, वो बूढ़े में भी हो जाते हैं फोड़ी फुंसियाँ, हिप्स पे होते हैं, पेट पीठ कहीं भी हो जाते हैं। तो मित्रों यदि इनमें पीला पीप है तो समझिए कफ वाले हैं और ये आपको बड़ी दुर्गंध भी देते हैं और साथ ही ये आपके आम यानी कि टॉक्सिन्स का परिणाम है। अब मित्रों कुछ लोगों को जिनको पित्त बढ़ता है उनके साथ क्या समस्या होती है, उनको खट्टी डकारें आती हैं और दुर्गंध, गाढ़ा पीला हरा गहरा खट्टी ये डकारें होती हैं और साथ ही कभी कभी उनको उल्टी भी होती है और उल्टी ऐसी होती है और कभी कभी बहुत ही कड़वी खट्टी उल्टी होती है जिसमें उनका स्वाद उनका चेहरा सब एकदम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसी स्थिति क्योंकि ये सब मैं इसलिए बता रही कभी कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती है बताते बताते तो सारे रिएक्शंस बॉडी पे दिख जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है हमारे साथ में, तो वो जब होता है तो समझिए आपका जो भोजन है वो पचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में यदि आपको वॉमिट होती है तो भाई सबसे अच्छी बात है, यदि आपका जो पचा हुआ पदार्थ नहीं है पचा हुआ भोजन है उसको आप वॉमिट कर दें सबसे अच्छा काम हो जाएगा, आपका बॉडी एकदम हल्का हो जाएगा। इसलिए कई बार देखो जिनको पित्त बढ़ता है जब एसिडिटी बढ़ती है खट्टी डकारी ऊपर को आती है तो बोलते हैं अरे उल्टी हो जाए तो शांति हो जाए, तो ऐसे में क्या करूँ उल्टी नहीं आ रही है ना, एक काम करिए थोड़ा सा पानी में नमक डालिए, गर्म पानी गुनगुना पानी थोड़ा गर्म मत करिए, गुनगुने से थोड़ा गर्म कर लीजिए जितना आराम से फटाफट फटाफट पी सके, मतलब एक घंटा नहीं 5 मिनट में आप 1.5 लीटर पानी पी जाए 2 लीटर भी पी जाएंगे तो अच्छा है, और उंगली डाल के वॉमिट कर दीजिए, आपका कड़वा खट्टा जैसा भी निकले हरा पीला जैसा भी निकले उसको निकल जाने दीजिए, उसके बाद ये सारा टॉक्सिन आपका निकल जाएगा जो आपके बॉडी को शांत करने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करेगा। तो यदि ये निकल रहा है तो इसको बिल्कुल भी कुछ खा पी के उसको उतारने की कोशिश मत करिए क्योंकि नीचे से जाएगा ना मित्रों बहुत लंबी प्रोसेस है, आंतों में अटकेगा कहाँ कहाँ जाएगा, इससे अच्छा सीधा ऊपर से जठर में से निकाल दो, सबसे बेटर प्रोसेस है सबसे अच्छा तरीका है, तो कर सकते हैं आप। हाँ ये मैंने समाधान साथ में बता दिया क्योंकि जो साथ में आ जाएगा उसको साथ में बता देना जरूरी है अन्यथा फिर बाद में भूल जाएं तो आप सिर्फ ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अच्छा उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है क्योंकि जो ये जो आसान होता है ना जो टॉक्सिन्स होते हैं ये जब ब्लड में कहीं से ना कहीं से भी मिल जाते हैं, जैसे कहीं भी चले जाए ब्लड में मिल गए तो फिर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा देते हैं और साथ ही मल मूत्र पाद रुक जाता है यानी कि उनको ठीक से पॉटी नहीं होती है, पेशाब ठीक से नहीं लगती है और कई बार तो गैस पास नहीं होती, जैसे डकार नहीं आती है वैसे गैस पास भी नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में ये रुक जाता है। तो आप समझ सकते हैं जब ये स्थितियाँ वायु नहीं निकलती है तो शरीर कितना बेचैन हो जाता है। उसके बाद आंतों में गुड़गुड़ाहट होती है और तंद्रा आती है, तो मैंने एक शब्द और लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आंतों में गुड़गुड़ाहट होती है यानी कि पेट अजीब अजीब आवाजें करता है, ऐसे में कई बार बाहर वालों को भी सुनाई देता है कुछ आवाजें पेट कर रहा है, तो ये सब कई बार बहुत परेशान करते हैं हमें, तो ये समस्या होती है। और तंद्रा यानी कि हमेशा हल्की सी नींद जैसी आती रहती है, ऐसा लगता है कि बस सो जाओ कुछ करो मत, काम करने का मन नहीं करता क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं फील होती है तो काम करने का मन नहीं करता। और मित्रों तोद क्या होता है, तोद एक ऐसी समस्या होती है जैसे पेट में सुइयां जैसी चुभना,
मित्रों दो स्थितियां बनती है, एक पेट में सुइयां जैसी चुभती है, एक पूरे शरीर में सुइयों जैसी चुभन होती है। जब पूरे शरीर में सुइयों जैसी चुभन होती है तो वो वातकरण भी होती है, और जब पेट में होती है तो अधिकांश वो पित्त के कारण होती है, और पूरी बॉडी के साथ होती है तो वात पित्त मिश्रित भी होता है तो उसमें भी समस्या होती है। तो जो सुइयों जैसी चुभन होती है ना वो यही कारण होता है। उसके बाद मित्रों कई बार क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जो बढ़ता है मित्रों आप जानते हैं कितना खतरनाक होता है, जोड़ों में दर्द भयंकर होता है, और कई बार यूरिया इसमें क्या कहते हैं हमारे ये पेशाब में भी बढ़ जाता है तो क्या समस्या खड़ी कर देता है, क्योंकि जब पानी कम पीते तो समस्या खड़ी हो जाती है, तो वो समस्या होती है। उसके अलावा सुस्ती आलस्य बना ही रहता है, क्योंकि क्या होता है जब बॉडी में एनर्जी नहीं है, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि काम करने में मन नहीं लगेगा, सुस्ती आएगी, आलस भी आएगा, और साथ ही कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कब्ज हो जाता है, और कब्ज जब होता है तो मित्रों जब आगे पेट पे वजन होता है तो पीछे अपने आप खिंचाव आता है। आपने देखा होगा गर्भवती स्त्रियों को अक्सर पेट कमर में दर्द होता है, क्योंकि जब वो उनका आगे को पेट ऐसे खिंच जाता है ना तो पीछे कमर में दर्द होना स्वाभाविक हो जाता है। तो ये स्थिति जो बनती है वो कमर में दर्द दे जाती है, इसलिए आपको सीधा खड़े रहने की हम सलाह देते हैं ताकि आपको कमर में दर्द ना आए। उसके अलावा कमर दर्द, गठिया, वात सूजन। मित्रों जब बॉडी में कुछ चीजें हमारी अटक जाती हैं, नहीं निकल पाती हैं, तो सूजन आना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, और साथ ही गठिया और वात यानी कि जोड़ों में गांठें जैसा बन जाना उसको गठिया रोग कहते हैं, और जोड़ों में कहीं भी बॉडी में कहीं भी पेन होता है उसको वात रोग कहा जाता है, यानी कि वात रोग से हमारे बॉडी में पेन होते हैं, ये आप मेन समझ लेंगे। तो वो होता है मित्रों, ये सारी जो समस्याएं, मैंने बहुत सारी समस्याएं क्योंकि मुझे जितनी दिखाई दी मैंने उनको गिनवा दिया, और बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा तो इसमें नाम ही नहीं लिया, हमारी समस्या का तो इसमें नाम ही नहीं, मतलब हम तो इसमें शामिल नहीं है। पर हाँ, आप गलतियां भी बहुत सारी करते हैं, पर आपके शरीर में कुछ समस्याएं हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। तो मित्रों अब इसके कारण भी मैं आपको बता दूँ, कुछ कारण मैंने शुरुआत में बताया, कुछ कारण और बता दूँ। मित्रों जल्दबाजी में खानपान, जल्दबाजी में आजकल हम देखते हैं कि हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मची हुई है, हर काम फटाफट कर रहे हैं। महिलाओं को रसोई में खाना फटाफट बनाना है, बच्चों को फटाफट पढ़ाई कर लेनी है, बड़ों को ऑफिस में फटाफट काम कर लेना। अब ये फटाफट क्यों करना, उसके बाद करना क्या, उसके बाद हमें कुछ एन्जॉयमेंट करना है, कुछ मनोरंजन करना है। मित्रों आप अपने काम को एन्जॉयमेंट बना लेंगे ना तो आपको हमेशा काम करने में मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप यदि काम को एन्जॉयमेंट बना लेते हैं तो मित्रों आप कभी भी उससे बोर नहीं होते, उसमें इंटरेस्ट लेके करते हैं, तो आप हमेशा ताजगी से भरे रहते हैं। वरना आप कभी एक आध दिन एक आध समय के चक्कर में बाकी पूरा जो काम करते हैं उदासी के भरे वातावरण में करते हैं, तो जिससे आपको तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही काम करने को आपको जल्दबाजी करनी पड़ती है जो आपको नुकसान करती है। और वैसे मित्रों कई बार हम खान पान में भी जल्दबाजी करते हैं। आज लोग पहले ही कहा करते थे हम पेट के लिए कमाते हैं, हम पेट के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आज उस पेट को हम कितना शांति से कितना सही भोजन दे रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा। ये मित्रों हम जो पेट को भोजन दे रहे हैं वो भोजन कैसा है, वाकई वो भोजन हेल्दी है, ये आपके लिए सामने प्रश्न है। क्योंकि हम जो भोजन नहीं करते हैं, जो भोजन हम करते हैं उसमें जो हेल्दी फूड नहीं होता है, हेल्दी फूड आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे हेल्दी फूड तो आजकल नेचुरल भी नहीं मिलता है, क्या करें। मित्रों एक बार जानिए, हमने जितनी जल्दबाजी की है उतनी कहीं हमारे किसानों ने भी जल्दबाजी की है, और इसी कारण से आर्टिफिशियल सारी चीज़ें, जब हम कोई चीज़ महंगी खरीदने को तैयार नहीं, कोई चीज़ सही तरीके से खरीदने को तैयार नहीं है, तो सबको प्रॉफिट कमाना है, सबको आपके जैसी स्थिति बनी हुई है, तो कोई भी व्यक्ति जब अपने सही काम को सही ढंग से नहीं करता है तो ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, हमारे बॉडी में सारे चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। यदि आप इस बात को समझते हैं तो हर कोई यदि अपने काम को ठीक से करेगा तो कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, अपने काम को एंजॉयमेंट के साथ करेगा तो कभी उसको समस्या नहीं आएगी। और जैसा कि मित्रों मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, अपना ही दे दूं, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, और वर्तमान में जब से लॉकडाउन हुआ है मैं 5 महीने से अकेले रह रही हूँ, मेरे घर में कोई आता जाता भी नहीं है, मेरा बेटा भी मेरे मामा उसके मामा के यहाँ है, और फिर भी मैं कभी कभी कोई गेम नहीं खेलती और कभी मैं बोर नहीं होती। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मेरा टाइम कहाँ निकलता है मुझे पता ही नहीं चलता। लोग बोलते दिन बड़ा होता है, मैं कहती हूँ दिन छोटा पड़ जाता है। मुझे अकेले रहने के बाद भी घर में कोई विशेष काम नहीं, मैं भोजन बनाने में कितनी देर लगाती हूँ उस पर भी मैंने वीडियो दे रखा है, वो पता चल जाएगा। फिर भी मुझे समय कम पड़ता है, और समय क्यों कम पड़ता है, क्योंकि मेरा जो समय जाता है थोड़ा अध्ययन में जाता है, थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें सुनने में समझने में पढ़ने में जाता है, और आपके कॉमेंट इतने सारे होते हैं उनको रिप्लाई करने में जाता है, आप लोगों से बात करने में जाता है, जो आप लोग अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हो तो उनसे बात करने में करीब 4-5 घंटे
का समय तो दिन का निकल जाता है, तो ये सारा समय मेरा वहाँ जाता है और मैं अपने समय को यूटिलाइज करती हूँ क्योंकि मुझे यूटिलाइज करना आता है। अब मित्रों वही मैं बोर होकर करूँगी तो मुझे किसी भी काम में ना मजा आएगा और ना ही मैं आपके साथ इतना अच्छे से बात कर पाऊंगी। तो ये हमें समझना होगा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है ना खान पान में और ना ही किसी और काम में। उसके साथ ही अनियमित दिनचर्या, मित्रों जो हमें किसी काम को करने का धुन सवार होती है, जैसे हमें कोई पीपीटी बनानी, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो हमें बहुत जल्दबाजी होती है और हमें ऐसा लगता है कि हम आज काम खत्म करके ही सोएंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार लोगों को मैंने देखा है रात रात भर जाग जाते हैं क्योंकि जल्दी दिन में वो काम करते नहीं, रात भर जाग के काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दिनचर्या जो बिगाड़ते हैं उससे जो क्रियाएं आपके शरीर में नॉर्मली होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, यानी कि जिस समय पेट साफ होना चाहिए नहीं होता, भूख लगनी चाहिए नहीं लगती, खाना खाना चाहिए नहीं खाते, तो अपने आप ही हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो अनियमित दिनचर्या उसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं टाइम नहीं है, जैसा कि उसका मैंने पूरा आपको बता दिया ऊपर, टाइम नहीं है। लोगों के पास आज कोई कुछ करने को बोलो टाइम नहीं है हमारे पास। मित्रों जो टाइम नहीं की जो समस्या है ना, ये आपको हर काम जैसा कि जल्दबाजी करवा देती है तो आपके पास बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए समय यदि आपके पास आपके लिए नहीं है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको कभी स्वस्थ नहीं कर सकती, इतना आपको समझना पड़ेगा। तो ये है। उसके अलावा जब टाइम नहीं तो तनाव तो बढ़ ही जाएगा, स्वाभाविक है, टाइम नहीं है, टाइम का अभाव है तो तनाव बढ़ जाता है। और तनाव जो है ना मित्रों वो हर समस्या की जड़ होता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, ये मेरा हाथ है, आप अपने हाथ को ऐसे रखिए, सीधा रख लीजिए, आपको पता चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा उसको टाइट कर दीजिए, आप जैसे मैंने टाइट कर दिया आप देख सकते हैं मेरी सारी नसें दिखने लग गई हैं, एकदम सारी हड्डियां दिखने लग गई हैं, और आपको पता चल जाएगा मैं ढीला करूंगी तो ये देखिए मैंने लूज कर दिया, पता चल रहा है। आप अपने हाथ को करके देखिए। अब मित्रों जब आप तनाव में होते हैं तब आपका पूरा बॉडी, आपका माइंड सब कुछ टाइट हो जाता है, और जब वो टाइट हो जाता है तब आप कभी भी अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसमें एक अलग सी थकान आ जाती है, एक बहुत अलग सा खिंचाव आ जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर जाता है और फालतू में ही आप परेशान हो जाते हैं। खाली आप 2 मिनट ऐसे हाथ टाइट करके रख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2 मिनट में आपके हाथ में क्या रिएक्शन आ रहा है। तो आप समझिए जब आप तनाव में होते हैं, ये तनाव ही तो है, तो आपके बॉडी में कितना रिएक्शन आता है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक साथ कई काम, मित्रों हम हमारी आज जो कहा ना फास्ट लाइफ हो गई, उसमें हम सोचते हैं एक साथ हम कई सारे काम कर लें, जैसे खाना बनाते बनाते टीवी देखना, मोबाइल में कुछ सीरियल वगैरह देखना, पुरुष भी क्या करते हैं बाहर जाते हैं कुछ काम करते करते, कार चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते, महिलाएं पुरुष जो भी हैं वो कुछ चीज़ें देखते हैं कुछ करते हैं। तो मित्रों ऐसी स्थिति में जब आप मल्टीपल काम करते हैं, भोजन करते करते विशेषकर लोगों को मैंने देखा है अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, बहुत सारे काम करने हैं उनको और खाने के टेबल पे करने हैं। तो जब आप ये ऐसी तरह से काम करते हैं, भोजन करते समय किसी कभी भी 2 काम साथ में करते हैं, तो आपका माइंड दोनों तरफ या बहुत ज़्यादा तरफ डाइवर्ट होता है। कई बार लोग 3-3, 4-4 काम भी साथ में करने को देखते हैं तो सब जगह आपका माइंड डाइवर्ट होता है, और जो डाइवर्ट होता है मित्रों तो आपका कहीं कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाता है, और जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं मित्रों तो कई बार आपके सामने एक समस्या आती है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम एकाग्र नहीं हो पाते, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते, और मित्रों इसके अभाव में कई बार शरीर में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, प्राणायाम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो आपका दिमाग ना जाने कितनी दिशाओं में दौड़ रहा होता है, तो ये जो है ये भी आपके टॉक्सिन्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। अब बोलेंगे हम एक साथ में काम इतने सारे नहीं करेंगे तो हमारे काम खत्म नहीं होंगे, मित्रों काम कम करेंगे चलेगा, लेकिन टॉक्सिन बढ़ाने के साथ अपनी बॉडी को कमज़ोर बनाना किसी बुद्धिमानी का काम नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके साथ असमय जल और स्नान, असमय पानी पीना, असमय पानी जो हम पीते हैं ना, असमय मतलब कैसे, अब लोगों को ये पता ही नहीं है कि खाना खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए। कई बार मैं प्रश्न करती हूँ कितना पानी पीते, हम 3-4 लीटर पानी पी लेते हैं, पर पीते कब है, खाना खाते ही खाते 1.5 लीटर पानी पी देते हैं, उसके अलावा थोड़ा आगे पीछे कभी खाना खाने के थोड़ी देर आधा घंटे बाद पी लेते हैं, खाना खाने के बाद पी लेते हैं। जब आप ऐसे बेसमय पानी पीते हैं कि पानी सही समय पर सही समय कैसे पिया जाता है, क्या करना होता है, उसके लिए स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है, देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि पानी पीने का सही समय सही तरीका और क्या स्थितियां हैं, तो आपको जानकारी होगी तो आप कर पाएंगे। तो आपको सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में पानी पीना चाहिए जिससे आपके बॉडी में सही तरीके से आपके टॉक्सिन्स ना बने, भोजन पच सके और अपचा भोजन ना रहे। उसके बाद स्नान, अब मित्रों कई बार लोगों की एक आदत पड़ गई है भोजन करके स्नान करने जाएंगे, उनको पता ही नहीं है, चाय पी के स्नान करने जाएंगे, फिर उनकी बॉडी में कुछ रिएक्शंस होते हैं। जैसे भोजन करने के बाद जब आप स्नान करने जाते हैं तो आपका जो बॉडी है ना उसमें जो पेट की तरफ आपके जो ब्लड सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है वो आपकी स्किन की तरफ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपकी पाचन शक्ति मंद हो जाती है, और आपकी पाचन शक्ति मंद होने से वापस वही समस्या
टॉक्सिन की बन जाती है कि भाई आपका बॉडी भोजन पचा नहीं पाता तो टॉक्सिन्स बन जाते हैं, तो एक समस्या खड़ी हो जाती है। उसके बाद मित्रों यदि आगे हम देखें तो जंक फूड, मित्रों जंक फूड में जो अधिकांश फूड आता है वो मैदे से बना होता है, मैदे से बनी हुई प्रिपरेशन होती है, या उसके जो मसाले होते हैं जिसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, मसाले यानी कि तीखा मिर्ची आदि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 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 ज़्यादा हानिकारक है। मित्रों ये इतना हानिकारक है, मैदा जो है ना मित्रों वो हमारी आंतों में जाके जब चिपक जाए तो निकलता नहीं है और वो जल्दी पचता भी नहीं, और मैदा जो चबता भी नहीं है। आप नूडल्स को बहुत बारीक चबाना चाहें नहीं चबा सकते, उतनी बारीक यदि आप चावल चबाना चाहें आप चबा सकते हैं, पर आप फ्राइड राइस आप नहीं चबा सकते, खिचड़ी चबा सकते हैं। अब चबा के देखिए, जब खिचड़ी खाते हैं पतली खिचड़ी जो होती है वो खाते हैं, अब देखिए एक दाना आपका चब जाएगा, और वहीं यदि आप फ्राइड राइस जो कढ़ा चावल आता है वो खाते हैं तो आपका चावल जल्दी नहीं पचता है मित्रों। तो ये सारे रीज़न बनते हैं जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाते हैं। उसके बाद चिपकने वाले पदार्थ, अभी चिपकने वाले पदार्थ क्या होते हैं मित्रों, जितनी भी क्रीमी टाइप आइटम हैं, जितनी भी ये हमारे दांतों में चिपकने वाली चीज़ें, अब आप बोलेंगे गोंद भी चिपकता है, जैसे हम गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं बताते हैं, तो मित्रों उसके ऊपर आप दूध पीते हैं, उसके ऊपर दूध पी के आप उसको कर सकते हैं, पर हाँ वो जो है वो हमारे बॉडी में जाके घुल जाता है तो वो काम करता है, और वो नेचुरल चीज़ है, गोंद नेचुरल चीज़ है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ जैसे आप चॉकलेट वगैरह खाते हैं, ये जो चॉकलेट जो आपके दांतों में चिपकती है वैसे ही आपकी आंतों में चिपकती है और उससे आंतें साफ नहीं होती हैं, इसलिए समस्या खड़ी हो जाती है। और उसके बाद बिना भूख के भोजन करना, बिना भूख के भोजन करना मित्रों, कई बार जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि जब बंदाग्नि होती है, भोजन पचा नहीं है और आपने उसके साथ ही भोजन कर लिया भोजन पचे बिना, तो ऐसी स्थिति में बिना भूख के जो भोजन आप करते हैं वो आपका पचता नहीं है, वो भी कई बार ये टॉक्सिन्स को बढ़ा देता है। उसके बाद गैजेट का उपयोग करना, आज मित्रों हम देखते हैं कि गैजेट यानी कि हमारे सब साधन, जितने भी संसाधन हैं जिसमें हम गाड़ियाँ कह लें, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब कैसे हो गए हैं मित्रों, ये सब हमारे जीवन को आराम तलब बना रहे हैं, और हम जितने आराम तलब बनते जा रहे हैं उतने हम अपने बॉडी को इस्तेमाल कम करते हैं। हम जिम चले जाते हैं, जिम करके आते हैं, लेकिन जिम में मैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, हम जो सही क्रियाएं उनको नहीं करके हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं या कम करते हैं, और दोनों ही स्थितियां हमारे लिए घातक होती हैं। तो जो गैजेट हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक है मित्रों, जितना हम इनका प्रयोग अपने जीवन में बढ़ाते हैं उतना ही हम परेशान होते चले जाते हैं। तो मित्रों गैजेट होना जरूरी है, कभी कभी जरूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन उसको आदत मत बनाइए, यदि आप उसको आदत बना लेते हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है। अब मित्रों ये मैंने इसके आपको कारण बता दिए, अब समाधान क्या है मित्रों, इसके लिए आप जानते हैं समाधान प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान होता है, इसलिए लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं जैसा कि आप जानते हैं, जी हाँ वो करनी चाहिए, इससे आपको नेचुरल वायु मिलती है जो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सही करने में आपकी सहायता करती है। और मित्रों उसके अलावा आपकी दिनचर्या आपको सही करनी होगी, सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना, हमारी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य नियम, जैसा कि मैंने पहले बताया था जल के लिए, तो स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने इस विषय पर सारे वीडियो दे रखे हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसको आप देखिए, और निरोगी जीवन प्लेलिस्ट हमारे दूसरे चैनल पर मिलेगी, पर स्वास्थ्य नियम में आपको मिल जाएगा तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपना हर कौर हर घूंट एल्कलाइन बनाना होगा मित्रों, आपको बता दूं टॉक्सिन्स बनने में एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा भोजन का चबा के ना खाना, मैंने ऊपर जो कारण बताया था उसमें एक ही कारण रह गया क्योंकि उसको मैंने यहाँ के लिए बचा के रखा था, हर घूंट और हर पेय के लिए, हर कौर और पेय के लिए। क्या होता है ना मित्रों, हम जब भोजन अच्छे से चबाते हैं तो हमारा जो भोजन है उसमें लार मिलती है, और मित्रों लार कितनी चिकनी है, आप एक काम करिए एक चम्मच को घी में डुबाइए और उसको चाट लीजिए, आप देखेंगे चम्मच एक बार में साफ़ हो जाती है, और उसी चम्मच को आप धोइए पानी से, आपको काफ़ी सारे पानी से उसको धोना पड़ेगा, नहीं साफ़ होगी फिर आप उसको साबुन से अच्छे से लगा के घिस के धोएंगे तो जाके साफ़ होती है, यदि आप उसे चाट लेते हैं तो तुरंत साफ़ हो जाती है। तो मित्रों लार हमारी जो है वो बहुत ही अच्छा एक सफाई करने वाले पदार्थ है, और सफाई कैसी, टॉक्सिन्स गंदगी तो है मित्रों हमारी बॉडी की, तो जो टॉक्सिन्स है उनकी गंदगी, वो जो गंदगी है उसको यदि साफ करना है तो हमारे बॉडी में जो लार है उसको जितनी अधिक मात्रा में आप बना पाएंगे उतना ही वो अधिक काम करेगी। अब मित्रों लार हमारी हम थूका हुआ चाटते भी नहीं है तो दूसरे को तो हम ले नहीं सकते, वैसे अमेरिका आदि देशों में तो बिकती भी है लार पर हम तो नहीं ले सकते, तो हमारे अंदर कितनी लार बनेगी वो डिपेंड करता है कि हमारा टॉक्सिन्स बनने की स्थिति क्या बनेगी। अब मित्रों जब यदि आप स्वास्थ्य नियम के वीडियो देखते हैं पालन करते हैं तो आप ठीक से जब सही मात्रा में सही समय पर सही तरीके से पानी पिएंगे तो आप देखेंगे किस तरह आपके मुंह में अच्छे से लार बनती है, सही मात्रा में लार बनती है, और आपको खाते खाते पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ताकि
जब आप ऐसा करते हैं तो आपका वही भोजन जो आपका टॉक्सिन्स बन रहा है वो पच जाता है और आगे की पूरी प्रोसेस आपको देता है। और यदि आप गड़बड़ करते हैं तो क्या होता है, वो तो अभी हो ही रहा है, उसके साथ आपका हर कोर हर घूंट अल्कलाइन बने जैसा कि मैंने कह दिया। तो बात इतनी है, खाना खूब चबा के खाइए, पानी मुँह में घुमा के पीजिए, आपका हर कोर हर घूंट अल्कलाइन बन जाएगा जो आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में आपकी पूरी 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 सहायता करेगा। और मित्रों कुछ पे हैं जो हमारे साथ में काम करेंगे मित्रों, जैसे मैं आपको बता दूं, अदरक, अदरक यदि आप याद आ जाता है थोड़ा तीखा लगता है पर मुंह में पानी आ जाता है, अदरक है, नींबू है, गिलोय है, हल्दी है, ककड़ी है, पुदीना और तुलसी, ये जो पदार्थ है मित्रों, ऐसे जो पेय पदार्थ। और उसके अलावा मित्रों हमारे जितनी भी वनस्पतियाँ हैं जैसे है आम, अमरूद, जितने भी जामुन, इन सबकी पत्तियां हैं वो भी अल्कलाइन होती है मित्रों। आप किसी भी जो जिसका हम फल मोस्टली खाते हैं आपके आसपास जो पत्तियां पता चल जाएंगी, नहीं तो मैं आगे वीडियो उस पर भी दूंगी आपको। तो मित्रों यदि आप वो चीज़ें लेते हैं उनको खाली पीस लीजिए, उनका रस निकाल लीजिए, और यदि आप ये सुबह सुबह पीते हैं ये भी आपकी बॉडी को अल्कलाइन करने में यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने में आपकी पूरी सहायता करते हैं। अब मित्रों इनको बनाना कैसे है, जो मैंने ये पदार्थ बताए हैं, अक्सर मित्रों जिनकी इम्यूनिटी डाउन है कि जिनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार बार बार होता है उनको क्या करना है, पतंजलि का दिव्य पेय भी आता है, एक अर्जुन काढ़ा भी आता है और उसके अलावा एक स्वसारी काढ़ा भी आता है, ये पतंजलि में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अदरक गिलोय हल्दी पुदीना तुलसी इन सब में आप काढ़े बना सकते हैं, काली मिर्च लौंग आदि इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है ये काढ़े कैसे बनाने में एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम हमने दिया है भेषज, उस भेषज में आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आप अपने घर में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पेय पदार्थ बनाएं। चाय के विकल्प के रूप में मैंने वो वीडियो दिया है दे रही हूँ ताकि आपको चाय का विकल्प मिल जाए कि आप जो चाय सुबह सुबह पी लेते हैं जो आपकी भूख को मार देती है, जो आपके आपके बहुत सारी चीज़ें को समस्याओं को जन्म दे देती है, चाय पर भी मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो दिया है हमारी प्लेलिस्ट मत खाओ में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि क्या है ना मित्रों, आप जब कुछ चीज़ें पता नहीं और अनजाने में जो गलतियाँ कर ले तो बहुत बड़ी हो जाती हैं और वही हमारे शरीर में दोष और बीमारी के रूप में परिणित हो जाती हैं और हमारे समस्या खड़ी कर देती हैं। तो मित्रों ये आप समझेंगे तो आपको सारी बातें बहुत सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि आप कितनी जल्दबाजी में जो भोजन करते हैं, जो उटपटांग भोजन करते हैं, जो खाते पीते उसमें जो असावधानियाँ बरतते हैं उसमें आपको इतने सारे फालतू के एक्स्ट्रा रोग लग जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमें इसका खाली इसका समाधान बता दो, मित्रों समाधान मूल एक ही होता है, आपका पेट सही रहे आपका पूरा शरीर सही रहेगा, आपका खानपान सही रहे आपका पेट सही रहेगा, आपका खानपान का समय सही रहेगा तो सब हो जाएगा। पर जहां आप जितनी गलतियां करते हैं एक गलती पूरे रोगों की जड़ होती है। अब मतलब एक गलती, जैसे कहा ना एक पूरी दीवार साफ है उस पर एक दाग लग जाए तो दीवार को हम गंदा कहते हैं, वैसे आपकी एक भूल आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होती है। तो मित्रों आशा है आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी, ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा ताकि हमें जानकारी मिले कि हम क्या कर रहे हैं काम, क्योंकि मैं काफ़ी लंबी वीडियोज बना देती हूँ क्योंकि आप लोग कई बार कहते हैं वीडियो छोटा बनाओ पर मेरी समस्या हो जाती है, इतनी सारी जानकारी छोटे वीडियो में देने जाऊँगी फिर आपके प्रश्न बहुत सारे आते हैं, आशा है आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का लिंक दिया है, आप चाहें तो हमसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम।